हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरा पहला रिव्यू ब्लॉग होने वाला है, और जो कि मैं आप लोगों के साथ आज साझा करूंगा, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वर्ल्ड कप का मैच। रिजल्ट्स तो आप सभी को पता ही हैं, कुछ दिलचस्प बातें हैं जिस पे मैं रिव्यू और आप लोगों से अपने बात साझा करना चाहूँगा। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, रिजल्ट आपको भी पता है, हमें भी पता है और पता था, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से इस वर्ल्ड कप में उलटफेर हो रहा है, अफगानिस्तान जीती, नीदरलैंड जीती, तो कहीं ना कहीं आज के मैच में भी लोगों के मन में डर था कि अगली टीम कहीं भारत तो नहीं, अगली टीम कहीं बांग्लादेश तो नहीं जो भारत को हरा देगी। एक तीसरा उलटफेर हम लोग को इस वर्ल्ड कप में देखने को मिल सकता था, और कुछ हद तक लग भी रहा था। वर्ल्ड कप के आंकड़े देखे जाए तो बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ काफ़ी अच्छी टीम साबित हुई है। एक डर ये भी था, सेकेंडरी जब मैच शुरुआत हुआ तो टॉस बांग्लादेश ने जीता, काफ़ी अच्छी उन्होंने स्टार्ट की अपनी टीम को, जो कि देखते हुए कुछ हद तक लग रहा था कि शायद आज भारत का नंबर है उलटफेर के मामले में। लेकिन हमारे बॉलर्स, जो कि इस समय वर्ल्ड के टॉप क्लास बॉलर्स में से एक हैं, उन्होंने हमारी टीम को कमबैक कराया। काफ़ी मतलब स्ट्रांगली उन्होंने कमबैक कराया हमारी टीम को, और एक लोएस्ट टोटल पे बांग्लादेश को रोका, जिसकी उम्मीद तो दूर दूर तक कहीं नहीं थी। बांग्लादेश काफ़ी अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रहा था, मेरे हिसाब से 350 स्कोर मैं तो सोच रहा था जिस समय मैं मैच देख रहा था, लेकिन जब मैंने देखा ओ ये क्या हो गया, बांग्लादेश 255 पे ही रुक गई, तो बहुत अच्छे स्कोर पे रोका। और जिस हिसाब से हमारे बैट्समैन ने अटैकिंग स्टार्टिंग से ही अटैकिंग परफॉर्मेंस दी, और कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि हम अंडरडॉग होकर खेलेंगे, हम फुल अटैकिंग मोड पे स्टार्टिंग से ही खेल रहे थे। और सिर्फ इस मैच में नहीं, वर्ल्ड कप के हर मैच में जितने अभी तक हुए हैं हम लोगों ने अपना अटैकिंग परफॉर्मेंस दिखाया है, जबकि इंडियन टीम हमेशा ही इस वजह से जानी जाती है कि डिफेंस करते हैं, लेकिन नहीं, जिस हिसाब से मोदी सरकार अटैकिंग मोड में रहती है उस हिसाब से हमारी टीम भी अटैकिंग मोड पर है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये वर्ल्ड की टीम, जो भी टीमें इस समय वर्ल्ड कप में खेल रही हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया से टक्कर लेना, जो कि इंडिया में ही वर्ल्ड कप हो रहा है, एक ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इंडिया वालों के लिए। सेकेंडरी, इस समय इंडिया की जो परफॉर्मेंस है उसका कोई तोड़ नहीं है, और अगर ये परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप तक आखिरी मैच तक रही तो मैं आपको बता दूं वर्ल्ड कप इस बार भी अपना है, वर्ल्ड कप इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है इंडिया, वो भी हर सेक्टर में, चाहे वो आपका कैप्टनसी हो, आपकी फील्डिंग हो, आपका बॉलिंग हो, आपका बैट्समैन, आपकी बैटिंग हो, मतलब बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर्स हो, आपका कैप्टन हो, हर तरीके से जो जिस जगह फैसला सही लेना चाहिए एकदम एक्यूरेसी के साथ एकदम परफेक्ट चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है टीम के लिए। और कहने वाले तो कहते ही रहते हैं, जैसा अभी लास्ट मैच हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो बहुत सारी बातें लोगों ने बोली, मतलब पाकिस्तान की साइड से बहुत सारी बातें बोली गई कि हमारे तो फैंस नहीं थे, हमारी टीम को चीयर्स नहीं मिला, हमारी टीम को मतलब बैकअप नहीं था कि हम उनको मोटिवेट कर पाएँ। अरे भाई, इंडिया वालों ने वीज़ा ना देके आपके ही पैसे बचाए, आप जानते हो इससे पहले आप लोगों का रिकॉर्ड 7-0 का था, आप लोग यहाँ पे नहीं आए, आप लोगों के पैसे बचे, आप लोगों का टाइम बचा, आप ये सोचो। तो खैर, इन सारी बातों पे फिर कभी बात करेंगे, रात गई बात गई मैच किया। और पाकिस्तान वाले, उनका तो अपने देश की इकॉनमी संभालने वही बहुत बड़ी बात है, तो मैच की तो बात छोड़ ही दीजिए। खैर, इसके लिए कभी फिर डिटेल में अपने किसी और ब्लॉक में चर्चा करेंगे, लेकिन आज का मैच देख के लगा कि हाँ, ये टीम वर्ल्ड कप जीतने लायक है, टीम में हर तरीके का प्रदर्शन जो होना चाहिए एक वर्ल्ड कप टीम जो होती है जीतने लायक, उसमें जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए टीम को, वो हमारी इंडियन टीम दिखा रही है, और काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, जो कि अपने अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे रहे हैं, एक से ऊपर एक दे रहे हैं। हाँ, हार्दिक पांड्या आज चोटिल हुए, लेकिन उम्मीद है कि वो इंग्लैंड वाले मैच तक सही हो जाएंगे और परफॉर्म करेंगे।
बस इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेते हैं। एक छोटा सा ये ब्लॉग मैंने बनाने की कोशिश की है जो कि मेरा पहला ब्लॉग है, हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हूँ। मैं आशा करूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे आगे ब्लॉग बनाने के लिए और मेरी कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे। आगे मिलेंगे और भी कुछ डिटेल ब्लॉग के साथ, और भी कुछ अच्छे रिव्यूज़ के साथ, और भी इससे ज़्यादा कुछ तगड़ी प्लानिंग के साथ। जो इधर कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी मेरे ब्लॉग में, उसको रिकवर करते हुए आप लोगों से सेकेंड ब्लॉग में मिलेंगे। आशा करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मैच में या किसी और सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हुए आप लोगों से मिलेंगे। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले रिव्यू ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।